मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन। और आज कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज मुझे सारे बेडशीट्स वगैरह, सोफ़ा वगैरह को चेंज करना हो, उनके सारे कवर वगैरह, और उसके साथ साथ जो बाकी ये क्लीनिंग है वो भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग पार्ट मेरा स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट के बाद। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, लंच भी ऑलमोस्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया है क्योंकि आज मुझे टाइम लगने वाला है। और जब मुझे डेली क्लीनिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, और वैसे भी मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि लंच का कुछ पार्ट तो मैं सुबह ही बना लूँ, जिससे मेरे बाकी की जो क्लीनिंग है और बाकी का जो डे है उसको मैनेज करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। आप मुझे मेरे दूसरे चैनल इंडियन व्लॉगर मनीषा पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं अपने डेली ब्लॉग्स और ऐसी ही वीडियोस, क्लीनिंग जो रिलेटेड वीडियोस है, ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस है, वो डालती रहती हूँ। तो चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी है वो मुझे बताना ना भूलें। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैं जो अपना गैस स्टोव है उसको क्लीन करती हूँ। और यस, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं गैस स्टोव को हर बार क्लीन करती हूँ, तो यस, मैं सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों के बाद ही इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मुझे मतलब मुझसे काम नहीं होता है। एक आध बार मैंने ऐसा ट्राई भी किया है कि मैं इसको बस जस्ट थोड़ा सा कपड़ा लगा करके छोड़ के और फिर काम करूँ दो, बट वो मुझसे हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा तीनों ही टाइम खाना बनाने के बाद कुछ इस तरह से इसको क्लीन करती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये तो साफ़ रहता ही है, आप जो खाना बनाते हो वो भी आपका साफ़ सुथरा रहता है। प्लस बहुत बार हमने देखा है जैसे चींटियाँ या कॉकरोच वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमारे जो बचा हुआ फूड होता है ना उसकी वजह से ही होती है। तो हमेशा गैस स्टोव को उसके नीचे और उसके बैक साइड में हमेशा इन चीज़ों को क्लीन करें। और साथ के साथ अगर आप इसको क्लीन कर देंगे तो 5 मिनट आपकी लगेगी और आपका काउंटर टॉप हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और आपका किचन में आके काम करने का मन भी करेगा। सेम हैबिट मैंने अपने वॉश बेसिन के लिए बनाई हुई है। तो वॉश बेसिन के टैप और जो आसपास की 5-6 टाइलें होती हैं जो आपको दिख भी रही हैं सामने और साइड में, तो इनको भी मैं हर बार जब बर्तन क्लीन करती हूँ, यानी जब मेजर वाले जैसे 3 टाइम जो हम बर्तन करते हैं ना खाना बनाते हैं उसके बाद जो बर्तन होते हैं, तो इनको क्लीन करती हूँ। वैसे चाय वगैरह के बर्तन वो तो होते रहते हैं, तब मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे तीनों टाइम पे मैं इसको इसी तरह से टाइल्स और जो टैप वगैरह है उसको करती हूँ। तो ये भी मेरा 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है, कोई फाउल स्मेल आपको अपने किचन से नहीं आएगी अगर आप इस तरह से किचन को क्लीन करके रखते हैं। तो इसी तरह से जो मेरे काउंटर टॉप के नीचे कबर्ड्स हैं इनको भी मैं साफ़ कपड़े से क्लीन करती हूँ, डेली ही करती हूँ, दिन में 2 बार होता है। ये 2 मिनट लगते हैं इस पर आपको गीला कपड़ा लगाते हुए। तो इससे अगर कुछ भी आपका खाना गिरा है या चिकनाई वाले हाथ लगे हैं या फिर बच्चों ने कुछ गिरा दिया है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है एक बार रात में और एक बार सुबह। तो देखिए, मेरा जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है किचन क्लीनिंग की, वो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किचन को क्लीन कर दिया, आधा काम हो गया। मूव करते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ पर आज मुझे सारे जो कवर्स वगैरह हैं वो चेंज करने हैं, तो वो भी मैं करूँगी। प्लस जो क्लीनिंग है
जो साथ के साथ जो क्लीनिंग करनी होती है वो तो मुझे करनी ही है। तो मेरे सोफ़ास में क्या रहता है, जो गद्दियाँ हैं वो बाहर निकल जाती है और इनको मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो सोच रही हूँ कि इनको भी मैं चेंज करवाएंगे धीरे धीरे। और पहले मैं सोचा था कि मैं इनको एज इट इज़ रहने देती हूँ, चेंज नहीं करती, बट फिर काफ़ी गंदा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे जो इसके ऊपर जो कपड़ा बिछाया हुआ था वो निकाल दिया है। और ये वाली जो नीचे सीटिंग है ये मेरी काफ़ी ख़राब हो रखी है क्योंकि परी ने इस पर बहुत ही तबाही मचाई है, तो इसको मुझे कवर करके रखना ही पड़ता है। और कवर आप उनसे हमेशा पूछते हो कि मैं सोफ़ा कवर कहाँ से लेती हूँ, तो ये लोकल मार्केट से ही मैंने लिया है। ये ऊपर तक आ जाता है बट मुझे ये थोड़ा ना उसमें मुझे कपड़ा वेलवेट टाइप में है तो मैंने इसको सिर्फ नीचे की तरफ बिछाया है, ऊपर नहीं बिछाया है। और जो कवर वगैरह है वो भी सारे चेंज कर लेते हैं। ये कपड़ा मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ और ये वाले जो कुशन कवर है और जो अभी मैं चेंज करने वाली हूँ वो सारे ही कुशन्स कवर मैंने लोकल मार्केट से कपड़ा लेकर के और दिवाली के टाइम पे स्टिच करवाए थे। ये वैसे मैंने सेल करने के लिए बनवाए थे बट मेरा जो इरादा है वो चेंज हो गया, मुझे काफ़ी अच्छे लगे और अब मैं इनको घर पे ही यूज़ कर रही हूँ। दूसरा ये था कि जो अभी पेंडेमिक चल रहा है तो उसके उस ड्यूरेशन में तो सेल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, चीज़ें कब कहाँ पे अटक जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे ही इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सारे ही जो कवर हैं वो मैं मेरे खुद के सिलवाए हुए हैं और ये वाला जो प्रोसेस है वो मैं 15 दिन में मेरा हो जाता है, तो 15 दिन में तो मुझे ये सारे जो चेंजेस है वो करने ही पड़ते हैं। तो चलिए जो दूसरे कवर है अपने वो लगा देते हैं और बताइएगा कि आपको मेरे जो कुशन्स कवर हैं वो कैसे लगे हैं। ये है बच्चों का कमरा, 2 दिन से वो अपना हॉलीडे होमवर्क के जो असाइनमेंट वगैरह है उनको प्रिपेयर करने में लगे हुए थे। ऊपर अंशु रहता है वो और नीरव दोनों ही, तो दोनों दिन मेरे कमरे का जो हाल है ना बहुत ही बुरा था और इसको ठीक करने में मुझे 20 से 30 मिनट्स तक लगे थे अराउंड। और मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को उठा करके एक बास्केट में रख दिया क्योंकि उनको फिर से अभी काम करना है बट मुझे भी अपना काम करना है, तो वो लोग ब्रेक पे है तब तक मैं इस कमरे को अरेंज कर दूँगी और उनके सारी चीज़ों को एक बास्केट के अंदर रख दिया है ताकि जब वो वापस से आएंगे तो फिर ढूंढे ना कि उनकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ चली गई। तो ये अंशु की टेबल है जो मुझसे फ़ोल्ड नहीं हुई, मैं इसको फ़ोल्ड करना चाह रही थी बट ये हुई नहीं मुझसे, तो फाइनली मैंने इसको इसी तरह से रख दिया और इसी के ऊपर जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं रख दूंगी उठा करके। और ये सारी चीज़ें हैं जो इसको भी मैंने रख दिया ताकि वो आएंगे तो उनको सामने नज़र आ जाए, आ करके फिर मुझसे ना पूछे कि मम्मा कहाँ पर है चीज़ें तो मेरी तरफ से जो चीज़ें हैं वो भी सॉर्ट हो गई और उनके लिए भी सिंपल सा हो गया है, वापस से अपना इससे निकालेंगे और अपना काम कर लेंगे। और ये हमारे टेबल जो मैं अभी लेकर के आई थी, अभी नहीं हो गए हैं 1.5 साल तब लेकर के आई थी। और ये टॉयज़ सॉफ्ट टॉयज़ है, परी खेलती नहीं है, बस ये बॉब है, जो ये डोगी है इसका नाम बॉब है, ये नीरव का बहुत ही पुराना है, आई थिंक 4 साल पुराना है, तो नीरव इसको छोड़ता नहीं है, इसी को लेकर के रात को सोएगा और इसका नामकरण भी हो रखा है, इसका नाम बॉब है, तो हम हमेशा वही बोलते कि बॉब को उठाओ
तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है। और हाँ यार, परी सॉफ्ट टॉयज के साथ नहीं खेलती, बट देने भी नहीं देती है किसी को, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अब मेरी जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था इसी को वापस से लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे काम करेंगे फिर से गंदा तो करना ही है, बट फिर वही है ना, अंदर की जो खुजली है वो ख़त्म नहीं हुई और मैंने फिर इसको भी चेंज कर ही दिया कि कल करने से बेटर आज जब मैं सारा काम कर ही रही हूँ तो इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। और थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन है वो भी मुझे चेंज करनी है, तो कमिंग वीडियोज़ में, मतलब इसी वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने वो क्या क्या चेंजेस किए हैं। एंड ये मुझे एप्पल ग्रीन कलर की जो बेडशीट है ना, बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह की जो प्लेन बेडशीट्स होती है ना, उसके साथ आप काफ़ी कुछ मतलब अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। तो अभी मैं सोचूँ, जब नेक्स्ट टाइम मैं अभी चीज़ें बाय करूँगी, अभी तो नहीं, अगली गर्मियों के लिए सोचा है, क्योंकि इस गर्मियों तो मेरे पास थी ही बेडशीट्स, तो मैंने अपने जो मेरे पास बेडशीट अवेलेबल थी, जो मैंने सेल करने के लिए मैं लेके आई थी, उन्हीं में से मैंने यूज़ कर ली है। तो काफ़ी अच्छी बेडशीट है, कुछ बची हुई है, अगर लॉकडाउन खुलेगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो, क्योंकि मैं उनमें से 3 या 4 जो बेडशीट्स हैं वो मैं ऑलरेडी घर पर यूज़ कर रही हूँ। बेडरूम है वो मेरा रेडी हो गया है, किड्स बेडरूम, तो ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे परी मैडम हमारी साथ में रहती है, वो कह रही मम्मा मुझे भी क्लीनिंग करनी है, मुझे भी अरेंज करना है तो वो भी यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये जो मेरा लिविंग रूम है वो रेडी हो गया। तो कॉर्नर में जो प्लांट था ना, वो मैंने उठा के वहाँ पे एक जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि सारे ही जो प्लांट्स हैं वो मैंने बाहर अरेंज कर दिए, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और इसको टेबल को मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है, अभी कुछ इसके ऊपर शोपीस रखने का सोच रही हूँ, डोंट नो क्या होगा, छोटा सा रखूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। और ये वाली जो सेटिंग है ये मैंने फिर से वापस से वैसे ही कर दी है, क्योंकि प्लांट्स हटने के बाद सब चीज़ें वापस से वैसे हो जाती हैं। तो ये जो चेंजेस है छोटे छोटे वो मैंने किए थे, और इन्हीं से जो आपका रूम है वो अच्छा लगता है। तो कुशंस कवर वगैरह वो तो चेंज करने थे ही, लेकिन प्लांट्स हटाने के भी हटाने जरूरी थे, तो उसकी जगह पर फिर मैंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये है बच्चों का रूम। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी, अरेंज कर दिए हैं, और उसके ऊपर ये एक शेल्फ लगा रखा है हम लोगों ने, DIY शेल्फ है, तो इसको कुछ इस तरह से अरेंज किया है। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है इस रूम का, मुझे ये रूम बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है, डेकोर किया है, कुछ भी बोल लीजिए, तो कुछ इस तरह से है। तो ब्लैक के साथ जो थीम है ना, इस रूम की जो ब्लैक थीम है वो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। और बॉब अपना उधर मुँह करके बैठा हुआ है, और ये सामने वाली जो वॉल है वो कुछ इस तरह से है। और ये है बच्चों के स्टडी टेबल, तो हमारे नीरव पर यहाँ पर है रॉकिंग स्टार और ये बुद्धा जी, इसके ऊपर जो हेड था वो परी ने तोड़ दिया, बहुत ही सिंपल सी है, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी अच्छी रहती है। ये लोकल मार्केट से ही हम लोगों ने बाय की थी। बुक्स उसके एक बास्केट में मैंने अरेंज कर दी है, और इसके ऊपर एक मिरर लगाया हुआ है, साथ में 2 पपेट है, तो कुछ इस तरह से ये जो स्टडी टेबल है वो नज़र आती है। तो इस तरह से जो बच्चों का रूम है उसको मैंने डेकोर किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फाइनली मैं बता देती हूँ, जो प्लांट्स हैं, आई थिंक ये मैं अपनी वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो जो प्लांट्स थे ना, इंडोर प्लांट्स, वो मेरे सारे जल रहे थे, शायद लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, बट कोई बात नहीं। तो उनको मैंने बाहर अरेंज कर दिया है, वो अंदर नहीं चल रहे थे, मर रहे थे, तो अननेसेसरी उनको अंदर रखने का कोई बेनिफिट नहीं था, तो इसीलिए मैंने सारे प्लांट्स को बाहर निकाल दिया। और जब इनको बाहर निकाला ही है तो फिर अंदर का जो डेकोरेशन था वो चेंज होना ही था, तो इसलिए आज का पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में गया है। बाहर बालकनी में प्लांट्स भी अरेंज किए हैं मैंने, इसको वॉश करना और वो सब, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं।
तो आज का फुल जो डे था ना बहुत बिजी था, तो मैंने जो प्लांट्स है वो कर ही दिए। तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं कि बालकनी में अभी जो प्लांट्स मैंने अंदर के लाके बाहर रखे हैं तो वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो बताइए मुझे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, बाय।